दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से माप के लिए अप्रैल 2024 की बम्पर भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। 32 विभागों में बड़ी भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट सभी इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं अप्रैल 2024 की टॉप 32 भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है RPF में। रेलवे में कांस्टेबल SI की भर्ती है, 4660 वैकेंसीज है। 15 अप्रैल से आवेदन चलेंगे, लास्ट डेट 14 मई है। यहाँ पर 10वीं पास डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 और 20 से 25 वर्ष आयु सीमा है। 500-250 रुपये फीस है अलग अलग कैटेगरी के लिए। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो RPF.indianrailways.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर की जॉब है वो भी SSC में निकली है। CHSL एग्जाम के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। यहाँ पर पोस्ट है LDC, JSA, SA, DEO की। यहाँ पर 4000 से अधिक पद खाली है। 2 अप्रैल से 1 मई तक आवेदन चलेंगे। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो SSC.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब है वो भी UPSC में निकली है। UPSC CAPF की भर्ती है। यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती है। 500 से अधिक पद खाली है डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत। 24 अप्रैल से 14 मई तक आवेदन चलेंगे। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 25 वर्ष आयु सीमा है। 200 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो UPSCOnline.NIC.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें फोर्थ नंबर की जॉब है वो भी PRD बिहार पंचायती राज विभाग में निकली है। अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट के लिए 6570 वैकेंसीज है। 15 अप्रैल से 14 मई तक आवेदन चलेंगे। BCOM MCOM CENTER से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें फाइव नंबर की जॉब निकली है वो निकली है गुजरात पुलिस में। SI कांस्टेबल जेल सिपोए और यहाँ पर SRPF कांस्टेबल की भर्ती है। 12472 वैकेंसीज है। 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आवेदन चलेंगे। डिग्री पास 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 35, 18 से 33 वर्ष आयु सीमा है। 100-200 रुपये फीस है। SST को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। गुजरात जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर की जॉब है वो भी UPSC में निकली है। IAS या ISS एग्जाम के माध्यम से भर्ती होगी। 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आवेदन चलेंगे। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है। 200 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर की जॉब है वो भी UPSC में ही निकली है। CMS एग्जाम के माध्यम से भर्ती होगी। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। 1000 से अधिक वैकेंसीज है। 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आवेदन चलेंगे। MBBS से आप अप्लाई कर सकते हो। 32 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। 200 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर की जॉब है वो भी BS PHCL के अंतर्गत निकली है। टेक्नीशियन जूनियर अकाउंट क्लर्क असिस्टेंट JEE की यहाँ पर पोस्ट है। 2610 वैकेंसीज है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसके लिए आवेदन चलेंगे। 10th ITI डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18-21 से 37 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर की जॉब है वो भी स्टेट हेल्थ सोसाइटी NHM बिहार में निकली है। CHO की भर्ती है। 4500 वैकेंसीज है। 1 से 30 अप्रैल तक आवेदन चलेंगे। BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग GNM से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 42 वर्ष आयु सीमा है। 500-250 रुपये फीस है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो 10th नंबर की जॉब है वो भी OAVS के अंतर्गत निकली है। प्रिंसिपल टीचर की पोस्ट है। 1342 वैकेंसीज है। 1 से 30 अप्रैल तक आवेदन चलेंगे।
मिलेंगे। डिग्री बीएड से आप अप्लाई कर सकते हो। 31 से 50, 21 से 38 वर्ष आयु सीमा है। 2,250, 1,500, 1,000 रुपये फीस है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उड़ीसा जॉब लोकेशन है oav.edu.in पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 11 नंबर की जॉब है वो भी OSSSC में निकली है। टीचर की भर्ती है। 2,629 वैकेंसीज है। 1 से 24 अप्रैल तक आवेदन चलेंगे। ग्रेजुएट बीएड से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 38 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उड़ीसा जॉब लोकेशन है OSSSC.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 12th नंबर की जॉब है वो भी OSSC में निकली है। वेरियस पोस्ट निकली है। CGL एग्जाम के माध्यम से भर्ती हो रही है। 595 वैकेंसीज है। 5 अप्रैल से 2 मई तक इसके लिए आवेदन चलेंगे। डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 38 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उड़ीसा जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो 13 नंबर की जॉब है वो भी MRB 10 में निकली है। असिस्टेंट सर्जन की पोस्ट है। 2,553 वैकेंसीज है। 24 अप्रैल से 15 मई तक आवेदन चलेंगे। MBBS से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 37, 47, 50, 59 वर्ष आयु सीमा है। 1,500 रुपये फीस है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तमिलनाडु जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो 14 नंबर की जॉब है वो भी सेबी के अंतर्गत निकली है। ऑफिसर ग्रेड ए की यहाँ पर पोस्ट निकली है। 97 वैकेंसीज है। 13 अप्रैल से आवेदन चलेंगे। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, CLLB इंजीनियरिंग डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। 1,100 रुपये फीस है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो cv.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 15 नंबर की जॉब है वो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 490 वैकेंसीज है। 2 अप्रैल से 1 मई तक आवेदन चलेंगे। यहाँ पर भी बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 27 वर्ष आयु सीमा है। 300 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो AAI.AERO पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 16 नंबर की जॉब है वो भी UP SSSC में निकली है। जूनियर एनालिस्ट फूड की पोस्ट है। 417 वैकेंसीज है। 15 अप्रैल से 15 मई तक आवेदन चलेंगे। मास्टर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। UP जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो 17 नंबर की जॉब है वो भी UP SSSC में निकली है। जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन की पोस्ट है। 361 वैकेंसीज है। 18 अप्रैल से 18 मई तक आवेदन चलेंगे। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। 25 रुपये फीस है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। यूपी जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो 18 नंबर की जॉब है वो भी UP SSSC में निकली है। सचिव ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। 134 वैकेंसीज है। 24 अप्रैल से 24 मई तक आवेदन चलेंगे। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। 25 रुपये फीस है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो 19 नंबर की जॉब है वो भी HSSC में निकली है। यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पोर्ट पर्सन की पोस्ट है। वेरियस पोस्ट है। 447 वैकेंसीज है। 1 अप्रैल से 1 मई तक आवेदन चलेंगे। 12th ITI डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18, 21 से 25, 27, 42 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 20 नंबर की जॉब है वो भी HSSC में निकली है। कांस्टेबल की पोस्ट है। 66 वैकेंसीज है। 1 मई तक आवेदन चलेंगे। 1 अप्रैल से 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो 21 नंबर की जॉब है वो भी उत्तराखंड कोऑपरेटिव में निकली है। वेरियस पोस्ट निकली है। मैनेजर क्लर्क की पोस्ट है। यहाँ पर 233 वैकेंसीज है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आवेदन चलेंगे। डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 42 वर्ष आयु सीमा है। 1,750 रुपये फीस है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो 22 नंबर की जॉब है वो भी सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड मेघालय में निकली है। सब इंस्पेक्टर गार्डमैन ड्राइवर NC की पोस्ट है। 445 वैकेंसीज है। 1 अप्रैल से 1 मई तक आवेदन चलेंगे। डिग्री 9वीं क्लास पास, 5वीं क्लास पास अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 27, 18, 27, 18 से 32 वर्ष आयु सीमा है। 50 रुपये फीस है। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। मेघालय जॉब लोकेशन है।
उसके बाद दोस्तों जो 23 नंबर की जॉब है वो भी पीसीएमसी नगर निगम में निकली है, असिस्टेंट टीचर ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, 327 वैकेंसीज है, 1 से 16 अप्रैल तक आवेदन चलेंगे, 12th डीएड बीएससी बीएड बीए बीएड से आप अप्लाई कर सकते हो, 18 वर्ष मिनिमम आयु सीमा है, 500 रुपये फीस है, ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो, पुणे महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें 24 नंबर की जॉब निकली है वो भी एपीपीएससी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग में निकली है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की पोस्ट है, 37 वैकेंसीज है, 15 अप्रैल से 5 मई तक आवेदन चलेंगे, डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है, 370-250 रुपये फीस है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, आंध्र प्रदेश जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो 25 नंबर की जॉब है वो भी सेल बोकारो स्टील प्लांट में निकली है, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव की भर्ती है, 108 वैकेंसीज है, 16 अप्रैल से 7 मई तक आवेदन चलेंगे, 10th आईटीआई डिग्री पीजी डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 28, 30, 34, 38, 41 वर्ष आयु सीमा है, ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 26 नंबर की जॉब है वो भी GSSB में निकली है, वेरियस पोस्ट निकली है, 154 वैकेंसीज है, 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आवेदन चलेंगे, 10th आईटीआई डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 33 34 36 38 वर्ष आयु सीमा है, 500-400 रुपये फीस है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, गुजरात जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो 27 नंबर की जॉब है वो भी SCCL में निकली है, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की भर्ती है, 327 वैकेंसीज है, 15 अप्रैल से 4 मई तक आवेदन चलेंगे, 10th आईटीआई डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है, ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 28 नंबर की जॉब है वो भी बीएमसी नगर निगम में निकली है, लाइसेंस इंस्पेक्टर की पोस्ट है, 118 वैकेंसीज है, 20 अप्रैल से 17 मई तक आवेदन चलेंगे, डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 38 वर्ष आयु सीमा है, 1,100 रुपये फीस है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, मुंबई जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो 29 नंबर की जॉब है वो भी पीसीएमसी नगर निगम में निकली है, फायर एग्जीक्यूटिव और यहाँ पर फायर रेस्क्यू की पोस्ट है, 150 वैकेंसीज है, 22 अप्रैल से आवेदन चलेंगे, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 45 वर्ष आयु सीमा है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, पुणे महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो 30 नंबर की जॉब है वो भी MPP GCL बिजली विभाग में निकली है, वेरियस पोस्ट है, यहाँ पर 191 वैकेंसीज है, 2 से 30 अप्रैल तक आवेदन चलेंगे, 12th आईटीआई डिग्री डिप्लोमा BBTECH BSc नर्सिंग GNM से आप अप्लाई कर सकते हो, 18, 21 से 40, 45 वर्ष आयु सीमा है, 1,200-1,600 रुपये फीस है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, MP जॉब लोकेशन है। उसके बाद दोस्तों जो 31 नंबर की जॉब है वो भी BPSC में निकली है, सेकेंडरी टीचर हायर सेकेंडरी टीचर की पोस्ट है, 62 वैकेंसीज है, 25 अप्रैल से 16 मई तक आवेदन चलेंगे, बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री BITT से आप अप्लाई कर सकते हो, 25 से 40 वर्ष आयु सीमा है, 600-150 रुपये फीस है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, बिहार जॉब लोकेशन है, bpsc.bih.nic.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 32 लास्ट नंबर की जॉब है वो भी OPSC में निकली है, यहाँ पर ग्रुप ए की भर्ती है, 6 वैकेंसीज है, 5 अप्रैल से 6 मई तक आवेदन चलेंगे, CA, ICAI, CWA एनी डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो, 21 से 38 वर्ष आयु सीमा है, फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, उड़ीसा जॉब लोकेशन है। तो दोस्तों ये थी अप्रैल 2024 में होने वाली टॉप 32 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। सभी भर्तियों के लिंक यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।